रामानुज संप्रदाय में दीक्षा के समय तीन मंत्र दिए जाते हैं। एक मंत्र है अष्टाक्षर मंत्र, जिसको मूल मंत्र कहते हैं। दूसरा मंत्र है द्वय मंत्र, जिसको शरणागति मंत्र कहते हैं। तीसरा है चरम श्लोक। तो ये जो दो मंत्र हैं, चरम श्लोक तो केवल अनुसंधान के लिए, उसका जप नहीं करते, जपने के लिए दो मंत्र हैं। कौन कौन सा? मूल मंत्र और द्वय मंत्र। लोकाचार्य स्वामी जी से पूछा कि क्या जपें, ये दो दो आ गए, अब कौन से में ज्यादा मन लगाएं, किस में समय ज्यादा लगाएं? तो श्री लोकाचार्य स्वामी जी कहते हैं, जप्तव्यम गुरु परंपरा द्वयम्। जपने के लिए दो ही वस्तुएं हैं, एक तो गुरु परंपरा का ना, गुरु परंपरा का जप करे, और द्वय मंत्र का जप करे। बोले हमेशा कर सकते, बोले कभी भी कर सकते हैं। तो उदाहरण देते हैं, गाय का दूध तो बड़ा पथ्य है, बड़ा अच्छा होता है, बुद्धि वर्धक है, बल वर्धक है, तेज वर्धक है। कितने महात्मा तो गाय का दूध ही पी करके रहते हैं। पर गाय का दूध तो हर समय तो नहीं मिलेगा। सवेरे जब कोई ग्वारिया आएगा, गाय का थन दुहेगा, तब दूध मिलेगा, तब पिएंगे। शाम को जब गाय चर के आएंगी, गैया मैया, तब दूध देंगी, जब निकालेंगे तब मिलेगा, दो ही समय मिलेगा। बहुत गाय देने वाली दूध तो तीन समय दे देगी, इससे ज्यादा तो नहीं देगी। और एक छोटा बच्चा है जो माँ के दूध पर निर्भर रहने वाला है, अब जब जब उसको भूख लगेगी रोएगा, मैया दूध पिलाएगी कि नहीं पिलाएगी? हर बार माँ के स्तन में दूध आ जाएगा, हर बार बच्चे को पिलाएगी। अच्छा, माँ अपना दूध पिलाने के पहले नहलाती है क्या कि नहला करके पिलाऊंगी? जैसा है उसको भूख लगी पिला देगी। ऐसे ही द्वय मंत्र माँ के दूध के समान कहा गया, जब भूख लगे तब उसको जप ले, तब पी ले। और मूल मंत्र गाय के दूध के समान, स्नान ध्यान करके पवित्र होकर के जपे।